क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है. इसमें पूछा गया है द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ मीडियम फॉर अ स्पेसिफिक वेवलेंथ इफ द मीडियम हैज रिलेटिव परमिटिविटी 3 एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी 4/3 फॉर दिस वेवलेंथ विल बी. मतलब हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए. ठीक, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है हमें पता है. परमिटिविटी एक एप्सिलॉन नॉट लिया करते थे, ये वैक्यूम का होता है. ठीक, और किसी मीडियम की परमिटिविटी हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन से. तो रिलेटिव परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. उसी तरह से रिलेटिव परमिबिलिटी ये मैग्नेटिक फील्ड में होता है, तो म्यू आर हम लोग लिखते हैं म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, है ना. ये रिलेटिव परमिबिलिटी होता है, ये रिलेटिव परमिटिविटी होता है. जैसे लाइट का स्पीड वैक्यूम में हम लोग लिखते हैं 1/√μ0 × ε0. किसी मीडियम में निकालना हो स्पीड तो लिखेंगे 1/√μ × ε. म्यू उस मीडियम की परमिबिलिटी है और एप्सिलॉन उस मीडियम की परमिटिविटी है. परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होता है और परमिबिलिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होता है, है ना. तो हमें पता है कि किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग लिखते हैं म्यू, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो सी का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, वी का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे यहाँ से, तो कुछ इस तरह से आएगा ये, है ना. ये हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट. और ये जो है इसको मैं लिख सकता हूँ रिलेटिव परमिबिलिटी. म्यू आर जो होता है म्यू बाय म्यू नॉट होता है, उसी तरह से एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट को रिलेटिव परमिटिविटी लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा म्यू आर और ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर. ठीक, ये दोनों ही वैल्यू दिए गए हैं. रिलेटिव परमिबिलिटी दिया गया है 4/3 और रिलेटिव परमिटिविटी दिया गया है 3, है ना. तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2. यानी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आ गया 2. अब हमें पता है कि क्रिटिकल एंगल निकालना हो तो साइन थीटा क्रिटिकल जो होता है ये 1/μ होता है. मतलब रेयरर मीडियम हमने एयर लिया है और जो डेंसर मीडियम है वो उस मीडियम को लिया है जिसका हमें जिसमें ये परमिटिविटी और परमिबिलिटी दिए गए हैं. ठीक, तो 1/μ का वैल्यू हमने फाइंड किया है 2 यहाँ पर रखेंगे, तो थीटा क्रिटिकल का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 30 डिग्री. ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर 30 डिग्री दिया है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है.